स्टार सिंगर 2 के सेट से लगातार एक के बाद एक मजेदार वीडियो सामने आ रहे हैं जो फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। शो का पहला एपिसोड देखने के लिए बेताबी बढ़ती ही जा रही है। शो के कैप्टन मौका मिलते ही मस्ती करने में लग जाते हैं। अरुणिता पवन एक सीट पर बैठकर बातें करते हैं तो कभी एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं तो कभी टीम के लोगों के साथ गाना गुनगुनाते हैं। अरुणिता को तो सब अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें खाली बैठना पसंद नहीं है। वो काम करते करते जब बोर हो जाती हैं तो मंच पर अजीब अजीब हरकतें करने लगती हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सेट पर एक शख्स अरुणिता के साथ गाना गाने की कोशिश करता है। अरुणिता उसका दिल खुश करने के लिए एक लाइन खुद गाती है और एक लाइन उस शख्स को गाने के लिए बोलती हैं। दोनों एक दूसरे के साथ जबरदस्त गाना गाते हैं। इतना नहीं, अरुणिता मंच पर अजीब अजीब हरकतें भी करने लगती हैं और लगातार उनकी कई ऐसी ही वीडियो सामने आ रही हैं। ज्यादातर अरुणिता पवन के साथ मौज मस्ती करती हैं। कल अरुणिता ने सलमान अली के साथ बैठकर उनके अपकमिंग सॉन्ग के लिए वीडियो बनवाई थी। अरुणिता इस वीडियो में सलमान के करीब बैठकर गाना गुनगुना रही हैं तो वहीं उनके पास पवन खड़े हैं और अरुणिता अपनी धुड़की में खोई हुई हैं। पवन उन्हें निहारते जा रहे हैं कि आखिर अरुणिता को हो क्या गया है। इस वक्त अरुणिता गोवा में खूब धमाल मचा रही है क्योंकि दो दिन बाद वो मुंबई में लौट कर सुपरस्टार सिंगर 2 की शूटिंग में बिजी रहने वाली हैं। ऐसे में अरुणिता इस वक्त गोवा अपना शो निपटा चुकी हैं और वहां से इनके जबरदस्त फोटो सामने आ चुके हैं। पहली बार अरुणिता को शॉर्ट में देखा जा रहा है। वैसे तो जब से अरुणिता गोवा गई है लगातार उनके शॉर्ट्स वाले फोटो सामने आ रहे हैं। पहले वो बीच पर डेनिम शॉर्ट पहने नजर आई थी, उसके बाद जब वो सुबह सुबह शूटिंग सेट पर जाती हैं तो वहां व्हाइट कलर का शॉर्ट पहने नजर आई और अरुणिता का ये शॉट खूब सुर्खियों में बना हुआ है। अरुणिता के इस शॉट में हार्ट बना हुआ है जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। इस शॉट की फोटो सोशल मीडिया पर छाई हुई है। अरुणिता को लोगों ने घेर लिया। लोग पूछ रहे हैं कि जरूर पवन ने अरुणिता को ये शॉट दिलवाया होगा। वहीं इस फोटो में अरुणिता किसी शख्स के साथ नजर आ रही है। सेट पर कई लोगों ने अरुणिता को घेर लिया था जिसके बाद अरुणिता ने उन सभी के साथ सेल्फी क्लिक करवाई और इस मौके पर पवनदीप नजर नहीं आए। पवनदीप अरुणिता गोवा मौज मस्ती करने या क्वालिटी टाइम स्पेंड करने नहीं गए थे बल्कि अपना एक शो करने गए थे जिसकी कुछ पिक्चर्स सामने आ चुकी हैं और उन पिक्चर्स में देखा जा रहा है कि पवन अरुणिता अपने शो से ज्यादा खुद को टाइम दे रहे हैं। ये बात तो सही है कि शो के बीच इन्होंने अपने लिए टाइम निकाला और अरुणिता के साथ गोवा बीच में पूरी रात बिताई। अरुणिता पवन जैसे ही गोवा पहुंचे वैसे ही उसी रात ये गोवा बीच पर जाते हैं और समुद्र किनारे खूब मौज मस्ती करते हैं जिनकी फोटोज खूब देखी जा रही हैं। उसके बाद सुबह होते ये साउंड चेक करने के लिए सेट पर जाते हैं जहां इनकी परफॉर्मेंस होने वाली है। वहां काफी शाही इंतजाम किया जा रहा है। चारों तरफ काफी लोगों के लिए बैठने का इंतजाम किया गया है। काफी अच्छी डेकोरेशन की गई है। पवन अरुण के हजारों फैंस ने उनका ये शो देखने के लिए टिकट बुक कर लिया है और आज रात पवन अरुण का गोवा में जबरदस्त परफॉर्मेंस होने वाली है जिसकी फोटोज हम आप तक जल्दी पहुंचाने वाले हैं। फैंस को यकीन है कि आज अरुणिता बेहद हॉट लुक में नजर आएंगी क्योंकि ये गोवा गए हैं और गोवा में तो जाते ही ये अपने आप में नहीं होते हैं क्योंकि साउंड चेक करते वक्त ये अरुणिता ने अपने हॉट लुक से सभी के होश उड़ा दिए। अरुणिता साउंड चेक करते वक्त शॉर्ट्स और टी शर्ट में नजर आई। उन्होंने गोवा वाला पूरा लुक रखा था और उम्मीद है कि आज रात भी गोवा वाले लुक में नजर आएंगे अरुणिता। अरुणिता के साथ पवन भी हाफ पैंट में नजर आए। दोनों मंच पर एक दूसरे से बातें करते दिखे। पवन अरुणिता का ये बदला लुक देखकर बहुत खुश हुए। तो आप इनके इस परफॉर्मेंस को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल के लिए आज का दिन बहुत लकी है क्योंकि आज दोनों का गाना रिलीज हो चुका है। इनके गाने रिलीज होते ही धमाल मचा रहे हैं। कल पवनदीप राजन का नया गाना हनुमान चालीसा का टीजर भी निकल कर सामने आया था जिसमें पवन की आवाज ने लोगों की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ा दी थी। आज जब रिलीज हुआ तो तरह तरह के रिव्यू भी मिल रहे हैं। कुछ लोगों ने पवनदीप की आवाज को ही बेस्ट बताया। हनुमान चालीसा को पवनदीप ने बड़ी ही खूबसूरती से गाया है और बार बार सुनने का मन कर रहा है। वहीं अरुणिता का भी सुबह सुबह महेश रेशमिया के स्टूडियो से नया गाना तू किसी और को ना चाहे मेरे सिवा रिलीज किया गया है। इस गाने का कोई स्टूडियो वर्जन नहीं आया लेकिन एक्ट्रेस सोनाक्षी सिंह रावत और एक्टर
पार्थ और नवनीत मलिक पर ये गाना फिल्माया गया है। इन स्टार्स की रोमांटिक एक्टिंग को खूब पसंद किया जा रहा है। वहीं हिमेश रेशमिया के स्टूडियो में ये गाना रिकॉर्ड करवाया गया और अरुणिता के साथ निहाल तारो ने इस गाने में आवाज दी है। अरुणिता की आवाज बहुत प्यारी लग रही है, बहुत पसंद की जा रही है और वीडियो भी कमाल का है। सुनने में तो आ रहा है कि जल्दी अरुणिता का इस गाने का स्टूडियो वर्जन भी आने वाला है। तो अगर अब तक आपने अरुणिता का ये नया गाना नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर इनका गाना सुने। और क्या आप भी अरुणिता को इस गाने में एक्टिंग करते देखना चाहते हैं? सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 से घर घर में मशहूर हुए सिंगर पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल को फैंस का खूब प्यार मिला। सिंगिंग को लेकर तो दोनों चर्चा में रही, लेकिन इसी के साथ इंडियन आइडल के मंच पर दोनों की जोड़ी और केमिस्ट्री ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। इन दोनों की जोड़ी फैंस को बहुत पसंद आई। दोनों अक्सर अपने रिश्ते को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं। पवनदीप और अरुणिता जब भी एक दूसरे के साथ कोई फोटो या वीडियो शेयर करते हैं तो फैंस इन पर जमकर प्यार लुटाते हैं, जैसा कि इस वक्त हो रहा है, और फैंस इन्हें एक साथ ही देखना पसंद करते हैं। फैंस ने एक बार फिर इनकी एक साथ फोटो का स्केच बनाया और उस पर इन दोनों का ऑटोग्राफ भी लिया। जी हाँ, इस वक्त पवन अरुणिता की ये स्केच वाली वीडियो खूब वायरल हो रही है। पवन अरु के एक बहुत बड़े फैन ने पवन अरु की फोटो स्केच बनाई और फिर इनका ऑटोग्राफ भी लिया, जिसकी वीडियो इस वक्त खूब पसंद की जा रही है। वीडियो में देखा जा रहा है कि पवन और अरुणिता जमीन पर बैठकर इस फैन की बनाई हुई फोटो पर अपने ऑटोग्राफ दे रहे हैं। अरुणिता पवन से ये फैन मिलकर बहुत खुश होता है। ऐसे बहुत से अरुणिता पवन के फैंस हैं जो इन्हें बहुत प्यार करते हैं, इनका सपोर्ट करते हैं, इनकी आवाज की बहुत तारीफ करते हैं, इनका सम्मान करते हैं। ऐसा ही ये भी फैन है जो काफी वक्त से पवन अरु के एक ऑटोग्राफ का इंतजार कर रहा था और इस फैन से मिलकर पवन भी बहुत खुश हुए। वाकई पवन और अरुणिता है ही ऐसे कि इनसे किसी की भी दोस्ती हो जाती है। पवनदीप अरुणिता हर जगह छाए हुए हैं, कभी इंडियन आइडल के सेट पर तो कभी सोनी टीवी के कॉमेडियन सेट पर। और इस वक्त ये सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट पर छाए हुए हैं। पवनदीप अरुणिता अपने अपकमिंग शो को लेकर खूब मेहनत कर रहे हैं और जी जान से लगे हुए हैं। इन्होंने कई सारे बच्चों को ट्रेन किया हुआ है, जिसमें से एक बच्ची कांची लाल भी निकली। बच्ची ने जब अपना सरनेम कांची लाल बताया तो सबके सब चौंक जाते हैं और सबके सब अरुणिता और पवन का चेहरा देखने लगते हैं। अलका जी कहती हैं कि क्या पवन सब कांचीलाल को तुम ही लेकर आओगे, क्या सारी कांचीलाल की जिम्मेदारी तुमने ही ली है? इस बच्ची को भी पवन ही लेकर आए हैं। बच्ची ने बहुत ही खूबसूरत गाना गाया, बच्ची को अगले राउंड के लिए सेलेक्ट भी कर लिया गया और अलका जी कहती हैं कि हमें अपने सुपरस्टार सिंगर 2 का विनर भी मिल गया। इनके अलावा पवनदीप अरुणिता हाल ही में तक कपिल शर्मा शो में गए थे और इनकी पूरी टीम इनके साथ मौजूद थी, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान पवन और अरुणिता पर था। कृष्णा अभिषेक एक मजाक करते हैं और बोलते हैं कि सोनी टीवी पर पवन अरुणिता को गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, क्योंकि जब भी टीवी खोलो तो ये लोग ही नजर आते हैं, कभी इंडियन आइडल पर तो कभी कपिल के शो में और अब सुपरस्टार सिंगर 2 में भी यही नजर आ रहे हैं। अरुणिता और पवन दोनों ये सवाल सुनकर हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। पवन की हंसी तो भाई देखने लायक होती है, उन पर तो कोई भी फिदा हो सकता है। वहीं अरुणिता भी हां में हां मिलाते हुए हंसी के ठहाके मार रही हैं।